Zombie Apocalypse. हेलो एवरीवन। तो यार कैसे हो तुम सब? आई होप अच्छे होंगे। तो बहुत टाइम के बाद जो है मैं एक और नया वीडियो लाया हूँ हमारी असेंडेंट क्रिएचर सीरीज़ पे। तो आज के एपिसोड में जो मैं ट्राइसेराटॉप्स को असेंडेंट बनाने वाला हूँ, करीब 10,000 इसको लेवल दूंगा मिली डैमेज में, और फिर जो है दो डायनोसिस की फाइट कराने वाला हूँ जो कि इस आइलैंड पे एग्जिस्ट करते हैं, खतरनाक दो डायनो, तो उनसे फाइट कराएंगे इसकी। और पिछले एपिसोड में जो है मैंने टीरेक्स को असेंडेंट बनाया था, उसको भी मैंने करीब 10,000 लेवल दिए थे उसके मिली डैमेज में, और उसके बाद जो हमने दो खतरनाक डायनो से फाइट करवाया था टीरेक्स का, वैसा ही आज हम ट्राइसेराटॉप्स के साथ भी करेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर तुम चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। अब बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ओके, तो यहाँ पे मैंने जो है एक ट्राइसेराटॉप्स ढूंढ लिया है ग्रीन कलर का, जिसका लेवल अच्छा खासा है, ज़्यादा हाई लेवल का नहीं है पर अच्छा खासा इसका लेवल है। यहाँ पे 160 लेवल का ही है और इसकी 2200 हेल्थ है, और इसको अब मैं नोक करने वाला हूँ ट्राइसेराटॉप्स पे ही बैठ के। कंपाउंड बोस नोक कर रहा हूँ तो जल्दी नोक हो जाएगा। ओके, इसका टोरपुर बढ़ने लग गया एक एरो और ये नोक हो चुका है। तो अब जो है हमें लेवल देना है ट्राइसेराटॉप्स को। अभी इसका 160 लेवल है तो मैं 300 तक का कर दूंगा इसको, जिससे ये टाइम जल्दी जल्दी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले मुझे बायोटॉक्सिन इसको खिलाना पड़ेगा कुछ, तो इसको खिलाता हूँ मैं बायोटॉक्सिन। तो इसको मैंने बायोटॉक्सिन तो खिला दिया, अब इसका लेवल अप कर रहा हूँ और होने ही वाला है इसका 300 लेवल। ओके, 4 लेवल और चाहिए इसको बस, फिर 300 लेवल का हो जाएगा ये। ओके, मैंने इसको लेवल तो दे दिया है, अब जो है इसको मेरे को केबल देना पड़ेगा, जो कि मैंने आगे सेफ स्टेशन लगा रखा है उसमें से केबल ला के इसको देते हैं। पता नहीं है डीलो या फिर डोडो का केबल खाता है पहले, चलो डोडो का ही खाता है शायद, जहाँ तक मुझे याद है डोडो का खाता है। तो यहाँ से ले लेते हैं डोडो का केबल, कहाँ था ये रहा। ओके, तो अब चलते हैं वापस इसके पास ट्राइसेराटॉप्स के पास और बाम खिलाते हैं, फिर इसको जो है केबल देते हैं। तो 15x वाला बाम खरीदूंगा यहाँ पे मैं स्टोर पे से, जो कि 45 एम्बर का होता है। ओके, तो यहाँ पे हमने जो है हमारा स्मूदिंग बाम बाय कर लिया, अब इसको खिला देते हैं स्मूदिंग बाम और डोडो का केबल। ओके, तो भाई गलत केबल इसको मैंने खिला दिया, ये डोडो का केबल खाता तो है लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं है डोडो का केबल, ये कोई और डायनो का केबल खाता है, उससे जल्दी टाइम हो जाता। डोडो के केबल से ज़्यादा तो ये मेजोबेरी कर रहा है, इसका टाइमिंग इफेक्ट बढ़ा रहा है, तो जल्दी टाइम होने वाला है, हो चुका है टाइम हमारा 372 लेवल का ट्राइसेराटॉप्स। तो अब मैं ऑटो क्लिकर लाता हूँ इसको अनलिमिटेड लेवल देने के लिए। तो यहाँ पे जो है मैं ऑटो क्लिकर ला चुका हूँ, अब जो है ट्राइक को मैं करीब 10,000 लेवल दूंगा, पूरे 10,000 तो नहीं दे सकता हूँ मैं, पर इसको 8-9,000 तक लेवल मिल जाएंगे। तो पहले मैं इसको स्टॉप कराता हूँ, फॉलो कर रहा है मुझे। ओके, तो आप देते हैं इसको जीसी की मदद से लेवल, लेवल अप टारगेट करके। तो आप देख सकते हो तुम उसको बहुत सारी एक्सपी मिल रही है। तो अब मैं तुमसे मिलता हूँ उसका लेवल अप करके, सारा लेवल इसको दे के मिलता हूँ मैं तुम्हें। तो यहाँ पे जो है मैं इसको 8,654 लेवल दे पाया हूँ, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं दे सकता हूँ अब मैं, क्योंकि अब लेवल अप टारगेट हो ही नहीं रहा। तो सबसे पहले जो है मैं इसकी थोड़ी बहुत हेल्थ बढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि जिन डायनो से लड़ाएंगे इसको, लड़ाऊंगा इसको, तो उसके लिए मुझे इसकी अच्छी खासी हेल्थ चाहिए। और यहाँ पे फिर से मैंने इसकी कम से कम 10-15,000 इसकी हेल्थ रखनी है, और मैं कुछ ज़्यादा ही हेल्थ रख रहा हूँ इसकी। ओके, अभी 3,000 और हेल्थ इसकी बढ़ा देते हैं। चलो, अब इसकी जो हेल्थ 15,000 हो चुकी है, अब हील कर देता हूँ मैं। ओके, तो अब इसकी 15,000 हेल्थ हो चुकी है, अब जो है इसको मैं लेवल दूंगा मिली डैमेज में। उससे पहले कुछ मूवमेंट स्पीड में भी लेवल दे देता हूँ, क्योंकि ट्रैक बहुत स्लो चलता है लेकिन हमें कुछ स्पीड चाहिए ट्रैक के, इसलिए थोड़ा हमने इसका मूवमेंट स्पीड बढ़ा दिया है, थोड़े और लेवल दे देते हैं इसको मूवमेंट स्पीड में। लेवल ढेर सारे हैं हमारे पास, लेवल की कोई कमी नहीं है। और यहाँ पे मैंने गलती से कैंसिल कर दिया, 5 लेवल देने हैं हमें। ओके, तो हमने दे दिए जितना हमें मूवमेंट स्पीड में देना था, मिली डैमेज में देते हैं। और ये पूरे 8,600 लेवल हमें मिली डैमेज में देने हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा,
अगर हाथों से करता तो भाई बहुत ज़्यादा टाइम लगता। वो तो ऑटो क्लिकर है इसलिए थोड़ा जल्दी हो जाएगा ऑटो क्लिकर से। तो मैं तुम्हें मिली डैमेज में इसको लेवल दे के मिलता हूँ थोड़ी देर में। अब जो है बस 45 लेवल देने हैं इसके मिली डैमेज में, जो कि मैं अपनी उंगलियों से दे रहा हूँ। और यहाँ पे हमने दे दिए इसको पूरे 8600 लेवल इसके मिली डैमेज में। अब अप्लाई कर देते हैं और अब जो इसका मिली डैमेज हो चुका है 2 लाख के करीब, जो कि बहुत ही ज़्यादा होता है। और हेल्थ है इसकी 15000 के करीब और मूवमेंट स्पीड है इसकी 340। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो है ट्राइक हो चुका है टैम। अब जो है हमें बस 2 काम और करने हैं। एक तो पहला गीगा को ढूंढना है, दूसरा टाइटन को ढूंढना है। तो सबसे पहले हम इसकी फाइट जो है गीगा से करवाएंगे। तो मैं तुम्हें गीगा ढूंढ के मिलता हूँ और फिर करवाता हूँ इसकी फाइट। ओके, तो यहाँ पे मुझे जो है गीगा मिल चुका है, जल्दी ही मिल गया गीगा। एक तो ग्रिफिन माउंटेन के नीचे है, ये रहा नीचे घूम रहा है ये, और एक है ग्रिफिन माउंटेन के ऊपर। पता नहीं दो दो गीगा एक जगह पे कैसे मिल गए मुझे। तो सबसे पहले अभी इसको मारेंगे ट्राइक की एबिलिटी यूज़ करके, जो बाइंड वगैरह कर देता है ट्राइक। ओके, ये एबिलिटी जो है गीगा पे भी काम करती है, मुझे पता नहीं था। और बड़ी आराम से मार दिया भाई 160 लेवल वाले गीगा को, कितनी आराम से भाई मार दिया गीगा को इसने, बहुत ही हैरानी हुई मुझे। चलो अब थोड़ा स्लोमो में फाइट करवाएंगे, क्योंकि मैंने कुछ जल्दी ही मार दिया इस गीगा को। ऊपर जो गीगा है उसको एकदम आराम से पीटेंगे। और यहाँ पे मैं फंस चुका हूँ इन आलोसोरस की बॉडियों के अंदर, तो इनकी बॉडी हार्वेस्ट कर दी है मैंने। तो गिफ्ट में देख लेते गिफ्ट में क्या मिला हमें। क्लोन मार्क्स मिला है गिफ्ट में, जो कि काम की नहीं है। तो फ्लाई करके ऊपर जाते हैं, क्या ही अच्छी तरीके से फ्लाई कर रहा है ना। यहाँ पे जो है मैंने थोड़ा स्पीड बढ़ा दिया ट्राई का, जिससे हम जल्दी ऊपर पहुँच जाए। और यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं और गीगा भी दिख चुका है हमें। तो नीचे उतरते हैं और ट्राई का जो है एबिलिटी यूज़ करते हैं और गीगा को मारते हैं। और क्या ही एबिलिटी है भाई ट्राई की, कितना नीचे फेंक दिया गीगा को। और भाई 14000 हेल्थ बस बची है अब इसकी, मैंने स्पीड नहीं कम करा। वाह, मैं स्पीड ही भूल गया कम करना। और यहाँ पे 25 कर देता हूँ मैं अब स्पीड। अब देखो क्या ही बढ़िया दिख रहा है, अब कितने धीरे धीरे गीगा मुझे मार रहा है। ओह तेरी, एक बाइट में ही मर गया गीगा। तो 14000 के करीब, 14-20000 के करीब जो है ये डैमेज करता है हमारा ट्राइसेराटॉप्स। बहुत ही आसानी से मार दिया है ट्राइक ने गीगा को। और मैंने शुरुआत में ये गलती कर दी कि मैंने स्पीड कम नहीं करा, 400 की स्पीड में ही मारे जा रहा था गीगा को। तो अब जो है हमें टाइटन से थोड़ा फाइट करना है, तो चलते हैं टाइटन के पास, अब उसको मारते हैं। तो यहाँ पे फाइनली मुझे टाइटन भी मिल चुका है और इसको ढूंढने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा मुझे, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा है इसको, तब जाके मुझे ये यहाँ पे मिला है। तो अब थोड़ा फ्लाई करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि ये जो है पत्थर ये मुझे अटका रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ से नीचे उतरते हैं और इसको मारते हैं टाइटन को। और यहाँ पे टाइटन वो आ चुका है, लेकिन हम एबिलिटी यूज करेंगे अपनी ट्राइक की। और एबिलिटी वाह लगी ही नहीं इसको, क्योंकि ये ऐसी जगह पे जाके खड़ा है ना टाइटन। अब स्पीड स्लो करके इसको पीटता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 100 की स्पीड में तो भाई इसने दिमाग ख़राब कर रखा है। स्वैंप में हूँ एक तो, और ये टाइटेनोबो आके परेशान कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद कैप्रो कैप्रो भी आएंगे, पता नहीं कितने डाइनो आएंगे। डैलो भी आ चुका है। तो हमारा ट्राइक जो है 20000 डैमेज करता है एक बारी में। और देखो टाइटन कैसे अपने पैरों को ज़मीन में पटक रहा है। तो इसका मैंने 80000 तक अभी कर दिया है काम। और ये गलत, बहुत ही गलत जगह में है टाइटन, इसलिए कुछ अच्छे से इसको मैं मार नहीं पा रहा हूँ। इसको एक अच्छी जगह लेके जाते हैं ना तब मारते, पर मैंने गलती कर दी यहीं पे, इसको पीटने लग गया मैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने 50 की स्पीड कर दी है। अब थोड़ा व्यू अच्छा आया, टाइटन आगे की तरफ से मार रहा है लेकिन फिर ये जा रहा है। बस एक बाइट और ये मर जाएगा टाइटन भी, भाग रहा है देखो। अब मरने के कगार पे आया, तो देखो कैसे भाग रहा है ये टाइटन। अब एबिलिटी यूज़ करी है हमने टाइटन वो ट्राइक के, पर शायद लगा तो है पर कोई डैमेज नहीं पहुंचा इसको। और भाई क्या ही देखा तुमने,
कितनी आराम से कैप्रो सुकस ने जंप लगाई है कैप्रो कैप्रो ने, क्योंकि स्पीड बहुत ही कम है ना, इसलिए एकदम देखो कैसे लग रहा है स्लोमो में, सब कुछ स्लोमो में चल रहा है। बहुत परेशान कर रहे हैं यार ये डायनो सब। मेगा पिराना भी आ चुकी है, मेरे ट्राई को लीच ने पकड़ लिया है। अब इसका खेल खत्म करे, थोड़ा स्पीड कर ले, स्पीड लो कर लिया है मैंने। और यहाँ पे हमने टाइटेन को भी मार दिया है, ये भी बड़े आराम से मर चुका है, लेकिन ट्राई की थोड़ी सी हेल्थ कम हुई है यहाँ पे आने से। टाइटन ने मुझे जो है थोड़ा बहुत पीटा है, गीगा मुझे कोई ज़्यादा मार नहीं पाया, टाइटन ने ज़्यादा पीटा है मुझे उससे। और टाइटन की यहाँ पे मदद भी करी है कुछ स्वैम्प के डायनोज ने, कैप्रो वगैरह ने। और वहाँ पे मुझे स्पाइनो दिखे, दो स्पाइनो दिखे, चलो स्पाइनो को भी मार के आते हैं। बहुत जल्दी जल्दी अटैक करते हैं स्पाइनो वगैरह, ये तो एक बाइट में ही गया। अब इसको भी मारते हैं, ये तो भाग रहा है पहले ही, ये भी गया, इसके बीच 600 ये हेल्थ थी बस। तो आज की वीडियो में इतना ही था, आई होप तुम्हें आज का वीडियो पसंद आया होगा। और तुम्हें भी कोई और डाइनो देखना असेंडेंट बनते हुए तो कमेंट करो, कौन सा डाइनो तुम्हें असेंडेंट बनते हुए देखना है और उसके किस स्टेट्स में लेवल देखने हैं, ठीक है, तो कमेंट करना। तो आज की वीडियो में इतना ही था, आई होप तुम्हें आज का वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ किसी और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।